राम राम भाइयों। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो पेनल्फा कंपनी का अल्टरनेटर जो आता है उसको कटआउट को कैसे चेक करें बल्ब और बत्ती की सहायता से। तो हमने बल्ब ले रखा, बत्ती ले रखी है, बल्ब होल्डर ले रखा है और अपनी बैटरी है 12 वोल्ट और एक छोटी बैटरी ले रखी है चेक करने के लिए। तो इसके कनेक्शन मैंने पहले से दे दिए थे, ये पॉजिटिव में लगा हुआ तार है, ये नेगेटिव तार है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें कटआउट का माइनस पॉइंट ढूंढना है, जो कि ये माइनस पॉइंट है और इस पर हम माइनस लगा देंगे। बैटरी का जो नेगेटिव आएगा उसको हम यहाँ पे लगा देंगे अच्छे से थोड़ा। और ये हमारी बत्ती का बत्ती वाला पॉइंट है, तो हमें इसको कार्बन पे लगाएंगे, नीचे वाले कार्बन पे, तो ये बत्ती अपनी ग्लो करेगी। और अब हम जो हमने छोटी बैटरी ले रखी थी, मतलब ये इस पर ऊपर लगाएंगे तो ये ग्लो नहीं करेगा, पर ये नीचे लगाएंगे तो दोनों कार्बन ब्रश में से किसी एक पर लगाएंगे तो ये ग्लो करेगा। किसी एक पर ही ग्लो करना चाहिए, दोनों पर करता है तब भी अपना कटआउट ख़राब है। तो अभी सही बता रहा है, तो इसको देखते हैं कट मार रहा है या नहीं मार रहा। तो अपनी छोटी बैटरी ले रखी है मैंने बाइक पे चेक करने के लिए, और इसका जो ये वाला तार है ये बैटरी बड़ी बैटरी के प्लस पॉइंट में जोड़ रखा है मैंने, इसको हम माइनस में सीरीज की तरह जोड़ लेंगे। और इसके ब्रश को यहाँ पे बत्ती को जलाते हुए, इस तरह बत्ती यहाँ पे जल रहा है देख सकते हैं आप। तो अब इसको चेक करेंगे कि बत्ती बुझ रहा है या कट मार रहा है या नहीं मार रहा है। तो हम यहाँ पे प्लस प्लस पॉइंट को लगाएंगे तो बत्ती बुझनी चाहिए। तो ये तेज़ हो रहा है, ये हमारा कटआउट ख़राब है। तो हम सही कटआउट को चेक करेंगे। तो भाइयों ये हमने नया कटआउट ले रखा है और इसका आप पार्ट कोड देख सकते हैं, ऑटोलक का ओरिजिनल है। पेनल्फा अल्टरनेटर जो आते हैं उनमें ये लगता है, तो इसको हम चेक करेंगे। तो नेगेटिव को नेगेटिव में लगाएंगे, ये नेगेटिव पॉइंट हमारा ले रखा है, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे नेगेटिव में। और जो अपना इससे बत्ती जलता है और बल्ब को यहाँ लगाएंगे तो ये बत्ती जले ग्लो करेगा। थोड़ा अर्थिंग दिक्कत दे रहा है यहाँ पे, तो ये अपना बल्ब ग्लो करेगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से अपना ये बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब अपना ग्लो कर रहा है। और सीरीज हमने बना रखी है, ये क्या है भाई, सीरीज हमने बना रखी है तो अभी बल्ब बुझना चाहिए। तो अपना बल्ब अभी जल रहा है देख सकते हैं आप, यहाँ पे अपना बल्ब जल रहा है और हम जैसे ये कार्बन इसमें लगाते हैं तो ये बल्ब बुझ रहा है, यानी कि अपना कटआउट एकदम सही है। या ये बुझे नहीं तब भी अपना कटआउट ख़राब है, या ये जो अपना पॉइंट है बल्ब वाला तार इसमें लगाएंगे तो नहीं जले तब भी अपना कटआउट ख़राब है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इस कटआउट को चेक करना है।